सब्सक्राइब कीजिए आशुगी ट्रेडमार्क एम्पायर चैनल को और हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करके एक्टिवेट जरूर कर लें। वैसे तो उत्तराखंड की अधिकतर प्रमुख और प्रसिद्ध नदियाँ गढ़वाल मंडल में ही बहती हैं, लेकिन आज हम जिस नदी की बात कर रहे हैं वो एक तो उत्तराखंड में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और दूसरा उसकी खास बात ये है कि वो गढ़वाल मंडल में नहीं बल्कि पूरी तरह से कुमाऊं मंडल में ही बहती है। आज हम बात कर रहे हैं काली नदी तंत्र की। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुगीत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आशुगीत ट्रेडमार्क एम्पायर में, और आज फिर से लेकर आया हूं एक नई वीडियो जो कि है हमारी उत्तराखंड रिवर सिस्टम सीरीज की नेक्स्ट वीडियो। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में बहने वाली प्रमुख नदियों के अपवाह तंत्र के बारे में, और आज की इस वीडियो को मिलाकर अब इस सीरीज में हो गई हैं टोटल 4 वीडियोस। अलकनंदा, भागीरथी और यमुना नदी तंत्र के बारे में हमने पिछली वीडियोस में जाना, अब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में काली या शारदा नदी तंत्र के बारे में। अगर आप उत्तराखंड से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ काली नदी तंत्र के बारे में ही नहीं बताया है बल्कि उसके आसपास या उससे रिलेटेड छोटे छोटे फैक्ट्स भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। इसमें आपको उत्तराखंड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चरल नॉलेज के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो भी उत्तराखंड को और अधिक जानने के लिए और अधिक समझने के लिए आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो अब ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पिथौरागढ़ जिले के उत्तर पूर्व में बिल्कुल कोने पर इंडिया, चाइना और नेपाल के ट्राई जंक्शन बॉर्डर के पास में स्थित कालापानी नामक जगह से, ये जो आप छोटा सा एरिया देख रहे हैं ये कालापानी है, यहीं से काली नदी निकलती है। ये जगह लिपुलेख दर्रे के भी पास ही में है जो कि काफ़ी फेमस दर्रा है कैलाश मानसरोवर यात्रा की वजह से, और काली नदी घाटी से ही कैलाश मानसरोवर यात्रा का ट्रैक भी होकर गुजरता है। 1962 में इंडिया चाइना वॉर के बाद से कालापानी इंडिया और नेपाल के बीच डिस्प्यूटेड एरिया बना हुआ है, विवादित एरिया बना हुआ है, क्योंकि वॉर के टाइम से ही ये एरिया इंडियन टिबेटियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कंट्रोल में है। इंडिया का मानना है कि कालापानी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, जबकि नेपाल कहता है कि ये उनके धारचूला डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। तो आइए हम इसे 3D मैप से एग्जैक्ट समझने की कोशिश करते हैं। ये है वो उत्तराखंड का छोटा हिस्सा और इंडिया की बॉर्डर लाइन, और ये पूरा इलाका जाना जाता है कालापानी के नाम से, और यहाँ पर स्थित है लिपुलेख दर्रा। ये है जैक्सर पर्वत श्रेणी, इसकी पूर्वी ढाल से यानी इस तरफ स्थित ग्लेशियर से जो कई सारी जलधाराएँ निकलती हैं वो आगे चलकर काली नदी बनाती हैं। अब बात करते हैं कि इसमें डिस्प्यूटेड क्या है, इसमें विवादित क्या है, तो उसके लिए हमें चलना होगा फ्लैशबैक में। 4 मार्च 1816 से जब सही मायने में अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच सगौली की संधि लागू हुई, सगौली की संधि के बारे में मैं अभी आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, किसी अलग वीडियो में उसकी बात करेंगे, तो उस सगौली या संगौली के नाम से भी उसे कई बार जाना जाता है, उस संधि से एक पॉइंट ये निकल कर आया कि काली नदी से पश्चिम का इलाका नेपाल का होगा, लेकिन कुछ ब्रिटिश मैप मेकर्स ने अलग अलग मानचित्रों में काली नदी के अलग अलग सोर्स दिखाए, कुछ में अलग अलग बाउंड्रीज दिखाई, शायद इसीलिए क्योंकि वो इलाका उस समय उतना एक्सेसिबल नहीं था, काफ़ी दुर्गम इलाका था, घने जंगल थे, इसीलिए एग्जैक्ट लोकेशन वहाँ की सभी को नहीं पता थी, और उन मैप्स में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण आज तक ये इलाका डिस्प्यूटेड बना हुआ है। अब देखते हैं कि इसमें क्लेम क्या क्या हैं। इंडिया क्लेम करता है कि हमारी माउंटेन बाउंड्रीज की तरफ से यानी उत्तराखंड वाली जो बाउंड्रीज हैं वो पूरी की पूरी रिज लाइन पे बनी हुई हैं। रिज लाइन मतलब कि पर्वतों की चोटी की एक सीरीज टाइप की, कुछ इस तरह की। तो ये रिज लाइन भी कालापानी वाला हमारी बाउंड्रीज के अंडर ही आता है,
क्योंकि मेन काली रिवर स्टार्ट होती है यहाँ से, तो यहाँ से वेस्ट का इलाका हुआ नेपाल का। और नेपाल ये क्लेम करता है कि मेन काली रिवर स्टार्ट होती है यहाँ से, इसलिए सकौली ट्रीटी के अनुसार यहाँ से वेस्ट का एरिया नेपाल के अंदर आता है। तो ये है काला पानी और काला पानी का डिस्प्यूटेड एरिया। हम उम्मीद करते हैं कि ये डिस्प्यूट, ये विवाद ज़्यादा समय तक ना रहे और जल्दी से जल्दी दोनों देशों के बीच ये विवाद खत्म हो। और इसी उम्मीद के साथ हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं काला पानी से रिलेटेड कुछ और छोटे फैक्ट्स। काला पानी के पास में ही काली माता का एक काफ़ी पुराना और प्रसिद्ध मंदिर है और शायद इसी मंदिर की वजह से इस नदी का नाम काली नदी पड़ा है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि महर्षि व्यास ने यहाँ कुछ समय रहकर तपस्या की थी, इसीलिए इस एरिया को व्यास आश्रम भी कहा जाता है और इस घाटी को जिससे काली नदी बहती है इसे व्यास घाटी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से आगे अब हम स्टार्ट करेंगे काली नदी और जानेंगे काली नदी के अपवाह तंत्र को। काली नदी को स्थानीय रूप से काला पानी गाढ़ के नाम से जाना जाता है और इसका एक नाम काली गंगा भी है, एक नाम है शारदा, शारदा नाम तो आपने भी सुना ही होगा, और महाकाली नाम से इसे उत्तराखंड के कुछ इलाकों और मुख्य रूप से नेपाल में जाना जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आगे चलकर इसे एक अलग नाम से भी जाना जाता है जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। और इसका एक पौराणिक नाम भी है श्यामा नदी, जो कि स्कंद पुराण के मानस खंड में उल्लेखित है। मानसखंड यानी स्कंद पुराण का वो भाग जिसमें कुमाऊं क्षेत्र के बारे में ओवरऑल बताया गया है। और मानसखंड में इस नदी के अपवित्र होने का भी उल्लेख मिलता है, जिसके पीछे मुझे पर्सनली कुछ लॉजिकल कारण लगते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला कारण है काली नदी का बहाव, जो कि काफ़ी तेज है। और दूसरा जो कारण है वो है इसके रिवर बैंक्स, यानी तटों पर इसके दोनों तरफ काफ़ी तेज ढाल भी है, जो कि तेज बहाव के साथ इसे और भी अधिक खतरनाक बना देती है। और तीसरा, इसके आसपास के जो जंगल हैं वो काफ़ी घने हैं, जिनमें तरह तरह के जंगली जानवर पाए जाते हैं, जो कि इसे और दुर्गम, खतरनाक और रिस्की बना देते हैं। इसीलिए स्थानीय क्षेत्रों में कुछ कहावतें काली नदी के बारे में प्रचलित हैं, जैसे काली नदी में जाना मृत्यु के पास जाने के समान है। और यहाँ पर आसपास के जंगली जानवरों में भालू की अधिकता होने के कारण एक और कहावत प्रचलित है, काली नयो भालू खयो। तो अगर इन सभी बातों को समअप करें तो कंक्लूजन पॉइंट ये निकल कर आता है कि और नदियों के कंपैरिजन में, और नदियों की तुलना में काली नदी के आसपास या काली नदी में जाना काफ़ी खतरनाक था और आज भी काफ़ी खतरनाक है। इसीलिए शायद पुराने समय में काली नदी को अपवित्र कहा गया होगा ताकि कम से कम लोग उस तरफ जाएं और अपनी जान को रिस्क में ना डालें और सुरक्षित रहें। इसके अलावा इस नदी से संबंधित एक ऐसी घटना है, एक ऐसा इंसिडेंट भी है जिसने इसे इंटरनेशनली फेमस कर दिया था। 1998 से 2007 के बीच काली नदी के किनारे बसे तीन गाँव में से एक एक करके कुछ लोग जो कि काली नदी में गए थे, दूसरे लोगों के सामने ही अचानक काली नदी में समा गए, अचानक गायब हो गए। किसी अजीब से प्राणी ने उन्हें पानी के अंदर खींच लिया और फिर उनका कोई सुराग तक नहीं मिला। बाद में काफ़ी खोजबीन के बाद पता चला कि वो एक गूंज कैटफिश थी, जो कि नरभक्षी यानी कि मैन ईटर हो चुकी थी। इस पूरे इंसिडेंट को एनिमल प्लैनेट चैनल ने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज रिवर मॉन्स्टर में अक्टूबर 2008 में इंटरनेशनली रिलीज भी किया था। गूंज कैटफिश के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है बगैरियस यरेली। ये किसी आदमी के बराबर 6 से 7 फुट तक की हो सकती है और इसका एवरेज वेट होता है लगभग 100 किलो के आसपास। बगैरियस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ साउथ एशिया में पाई जाने वाली कैटफिश है, जो कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, वियतनाम और इंडोनेशिया की कुछ चुनिंदा नदियों में ही पाई जाती है। बगैरियस फैमिली की टोटल 5 स्पीशीज हैं, जिनमें से एक स्पीशीज ऑलरेडी विलुप्त हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। बाकी की 4 स्पीशीज नियर थ्रेटेंड यानी भविष्य में विलुप्त हो सकने वाली प्रजातियों में उनको रखा गया है। इन्हीं में से एक है बगैरियस यरेली। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको गूंज कैटफिश के बारे में इतनी डिटेल से क्यों बता रहा हूं।
तो हुआ यूं कि कुछ दिन पहले अल्मोड़ा जिले में मनीला के पास एक गांव पड़ता है इनोलू, वहां के कुछ लोगों ने रामगंगा नदी से, रामगंगा यानी कि पश्चिमी रामगंगा नदी से, एक गूंज कैटफिश को पकड़ा और उसको मार कर वो लोग खा भी गए। उन्होंने उस गूंज कैटफिश का वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर भी डाल दिया, सबको शेयर कर दिया। शायद आपने भी वो वीडियो देखा हो, काफ़ी वायरल हो गया था वो वीडियो। इससे हुआ ये कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 9 के तहत उस गांव के 4 से 5 लोगों पर चार्ज लगाया गया और उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया। तो इस बारे में मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और जानकारी के अभाव में कोई भी ऐसा ना करे। कम से कम किसी नियर थ्रेटन या एक्सटेंट स्पीशीज़ को तो हम नुकसान ना पहुँचाएं, क्योंकि जब भी कोई जीव विलुप्त होता है तो उससे हमारे इकोसिस्टम की एक चेन टूट जाती है, एक कड़ी टूट जाती है और उसका बुरा प्रभाव हम इंसानों पर भी पड़ता है। खैर, हम काफ़ी डिटेल में आ गए हैं इस टॉपिक के अंदर। वापस से बात करते हैं काली नदी की। अभी तक काली नदी हमारी काला पानी पर ही रुकी हुई है। काला पानी से चलकर सबसे पहले काली नदी में राइट साइड से आकर मिलती है कुठियांगटी नदी। ये जैक्सर श्रेणी के पश्चिमी ढाल से निकलती है और काली नदी के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो पूर्वी ढाल से निकलती है। तो कुठियांगटी नदी की कुछ सहायक नदियां भी हैं, संगचुमना, निक्रुट और थुमका, और ये गुंजी नामक स्थान के पास काली नदी से आकर मिल जाती है। इसके बाद जो अगली नदी काली से मिलती है वो है पूर्वी धौली गंगा। एक पश्चिमी धौली गंगा भी है जिसके बारे में मैं आपको अलकनंदा तंत्र वाली वीडियो में बता चुका हूँ। एक प्रकार से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पश्चिमी धौली गंगा गढ़वाल वाली धौली गंगा है और पूर्वी धौली गंगा है कुमाऊँ वाली धौली गंगा। तो पूर्वी धौली गंगा गोवनखना ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन इसके बेसिकली दो प्रमुख स्रोत हैं। एक तो खुद धौली, जिसे स्टार्टिंग में दारमा के नाम से जाना जाता है। दूसरी है लिस्सर नदी, जो कि दारमा से 2 या 3 गुना अधिक बड़ी है। और ये दोनों नदियां छोटा कैलाश के पास तेजांग में मिलकर वहां से आगे पूर्वी धौली गंगा के नाम से जानी जाती हैं। पूर्वी धौली गंगा की भी कुछ सहायक नदियां हैं, नानदारमा, स्लेयांगटी और कंचुतिज। इसकी लंबाई है लगभग 91 किलोमीटर और ये तवाघाट में काली नदी से आकर मिल जाती है। पूर्वी धौली गंगा पर एक काफी इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है, जल विद्युत परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत पिथौरागढ़ के धारचूला डिस्ट्रिक्ट में एक डैम बना हुआ है, जो कि एक एम्बैंकमेंट अर्थ एंड रॉक फिल डैम है। 2005 से ये चालू कर दिया गया है और इसकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 280 मेगावाट। अब इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि ये पूरे इंडिया का पहला कट ऑफ वॉल टेक्निक से बना हुआ डैम है। कट ऑफ वॉल टेक्निक के बारे में भी बात कर लेते हैं। इस टेक्निक में क्या होता है कि डैम की जो फाउंडेशन होती है, यानी उसका जो बेस होता है, उसमें हम कंक्रीट या आयरन शीट आदि की जमीन से बहुत गहराई में एक लेयर, एक ब्लॉक या फिर एक वॉल डाल देते हैं, जिससे पानी लीक होके दूसरी तरफ ना पहुंच सके। तो इसी टेक्निक से बना ये इंडिया का पहला कट ऑफ वॉल वाला डैम है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट इस प्रोजेक्ट के बारे में ये है कि ये कुमाऊं क्षेत्र में पहला अंडरग्राउंड पावर हाउस और अंडरग्राउंड टनल्स वाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है। गढ़वाल के बारे में ऐसी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल पाई, लेकिन शायद उसका पहला ऐसा प्रोजेक्ट टिहरी प्रोजेक्ट ही होगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पूर्वी धौली गंगा के बाद अगली नदी है गोरी गंगा, जो काली नदी से आकर मिलती है। सबसे पहले बात करेंगे गोरी गंगा के नाम की। इसके अधिकतर रास्ते में लाइट कलर के बालू, पत्थर, कंकड़ आदि पाए जाते हैं, जिससे इसका पानी साफ, चमकदार और सफ़ेद दिखाई देता है। इसीलिए इसका नाम गोरी गंगा पड़ा है। गोरी गंगा पिथौरागढ़ में ही स्थित मिलम ग्लेशियर से निकलती है। मिलम ग्लेशियर पूर्ण रूप से कुमाऊं में स्थित सबसे बड़ा ग्लेशियर है। पूर्ण रूप से मैंने इसलिए कहा यहाँ पे क्योंकि एक और ग्लेशियर है कुमाऊं मंडल में जो मिलम ग्लेशियर से भी बड़ा है। इसका नाम है पिंडारी ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर के बाद यह उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, लेकिन ये 3 जिलों में फैला हुआ है, चमोली जो कि गढ़वाल में है और बागेश्वर प्लस पिथौरागढ़। इस 3 जिलों में आने के वजह से मैं मिलम ग्लेशियर को प्रॉपर कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर आपको बता रहा हूँ।
गोरी गंगा भी दो जलधाराओं से मिलकर बनती है, गोरी और शुनकल्पा, जिसे रालमा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कई सारी सहायक नदियाँ भी हैं, जैसे पंचुगाड़, पोंटिंगाड़, जिमियागाड़, सूरिंगाड़, रलमगाड़, मदकानी, जिम्बा और गोनका। इसकी लंबाई है लगभग 104 किलोमीटर और ये जौलजीवी में काली नदी से आकर मिलती है। काली और गोरी नदी का ये संगम स्थल यानी जौलजीवी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी फेमस है, क्योंकि यहाँ पर हर साल मार्गशीर्ष संक्रांति पर, मतलब लगभग नवंबर मिड लास्ट में, जौलजीवी मेला लगता है, जिसमें क्षेत्रीय संस्कृति से संबंधित कई कार्यक्रम होते हैं। इसके अलावा जौहर, दारमा, व्यास, इन जनजातीय क्षेत्रों से आकर लोग ऊनी कपड़े, पंखियाँ, शॉल, कालीन आदि यहाँ पर आके बेचते हैं। ये मेला व्यावसायिक दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे इम्पोर्टेंट मेला है, इसलिए इस संगम के बारे में और इस मेले के बारे में कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है।